हेलो एवरीवन, आज हम लोग के आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक में जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बीएससी फाइनल ईयर के न्यू सिलेबस के हिसाब से हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। फाइनल ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसमें हम लोग पहुँच गए हैं यूनिट नंबर 4 पे, और यूनिट नंबर 4 के अंडर में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट। देखिए, ये बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक है जिसके कारण हमको थोड़ा सा बेस से बन लेके चलना पड़ेगा। और बेस हमको क्या बताता है उसको जरा देखते जाइए। बेस हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, वहाँ से शुरुआत किया जाए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको लगता है ये इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नो डाउट केमिस्ट्री तो पूरा इलेक्ट्रॉन का ही है, लेकिन ये एक्चुअल बोलूँगा एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टडी है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये एक्चुअल में दो प्रकार की एनर्जी की बात करता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ जरा देखिए कि स्टडी ऑफ, इसका जो डेफिनेशन बना रहा हूँ उसको देखिए, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटर कन्वर्जन। ये एक शब्द में मैं इसका लिख दिया हूँ डेफिनेशन, इंटर कन्वर्जन। अगर हिंदी में बताएंगे तो हिंदी में क्या लिख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा और जो रासायनिक ऊर्जा है उनके अंतर परिवर्तन का अध्ययन, का अंतर परिवर्तन, आपस में अंतर परिवर्तन का अध्ययन, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो घटना हो सकता है, मतलब तो दो तरीके हो सकते हैं, दो रास्ते हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। जो पहला कन्वर्जन है वो देखिए, पहला कन्वर्जन बोल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युतीय ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युतीय ऊर्जा को हम किसमें बदल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदल सकते हैं केमिकल एनर्जी में, हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। और दूसरा है जिसमें हम उल्टा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या विद्युतीय ऊर्जा में। ये दो घटना मुझे नजर आ रही है। तो अब ये जो दो घटना नजर आ रही है, इन दोनों घटनाओं को हम लोग थोड़ा डिटेल करें तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन एक सेल में होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, कहाँ होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, या हिंदी में बोल सकता हूँ इसको विद्युत अपघटनी सेल। ये विद्युत अपघटनी सेल में होता है, विद्युत अपघटनी सेल। ये दो प्रकार के सेल में दो घटना होगी, तो पहला सेल ये हुआ है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से विद्युत जो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन किस सेल में होता है, विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जबकि जो दूसरा टाइप है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में, वो होता है गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल को दूसरे शब्दों में हम उल्टी या सेल भी बोल सकते हैं, वोल्टेइक या उल्टी या सेल। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के सेल में होते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमको दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो मैं डिफरेंस दिखाता हूँ आगे, आप इतना नोट कर लें। तो अब बात करते हैं इस दो प्रकार के सेल के बारे में। ये दो प्रकार का सेल क्या होता है थोड़ा सा समझिए, बेसिक ये है कि पहले वाले सेल में हम लोग बात पहले करें तो पहले वाले सेल में एक ऐसा एक पॉट होगा, और उस पॉट में याद रखें कि इस पॉट में आपके पास दो इलेक्ट्रोड होंगे, और दोनों इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे, कहने का मतलब खुद कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस तरह से। और इनका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन हम लोग कर देंगे किसी बाहर से, किसी करंट सोर्स से, कहने का मतलब बैटरी से इस तरह से। और यहाँ पर जिस सॉल्यूशन को हमको इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराना है उसको हम फिल कर देंगे, ठीक है। एक ऐसा सिचुएशन हमने क्रिएट किया किस सेल के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। ध्यान रखें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या कर रहे हैं कि एक हमारे पास
इलेक्ट्रोड हैं, और उन इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या किया है, उन इलेक्ट्रोड्स के लिए ऐसा हमने डीप कर दिया और पहले ही क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रोड कैसा है, इनर्ट है। इनर्ट है इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल करंट को अंदर और बाहर ले जाने के लिए मदद करेंगे। ओके, अब यहाँ से देख सकते हो कि ये जो बड़ा इंड है वो पॉजिटिव इंड कहलाता है बैटरी का, और जो छोटा इंड है वो नेगेटिव इंड कहलाता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, मान लीजिए इस पर NaCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है, NaCl का सॉल्यूशन या पिघला हुआ रूप भरा हुआ है, मेल्ट लिख देता हूँ, मेल्ट मतलब पिघला हुआ रूप। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक एग्जाम्पल हो गया। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो या कोई और सेल हो, ये जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है उसको मैं हमेशा क्या नाम दूंगा, एनोड नाम दूंगा, और जो राइट वाला पार्ट है उसको मैं नाम दूंगा इलेक्ट्रोड में कैथोड। तो एनोड और कैथोड में ये फिक्स रखना, चाहे वो कोई भी हो, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो घटना हमेशा कंपलसरी है। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा, हाँ, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एकदम फिक्स है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या कि एनोड में ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है। तो एनोड में ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, है ना। इस जो भी स्पीसीज में आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहने का मतलब। और यहाँ जो रिडक्शन जिसको बोल रहा हूँ कैथोड, उसमें होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, है ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन कहीं सोर्स से लिया जाएगा। तो ये घटना, ये पूरा तैयार हो गया है। अब क्या होता है उसको समझिए कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड में, खासकर एनोड और कैथोड में, कि एनोड और कैथोड में जब हम एनोड पर बात, अब देखिए एनोड पर क्या होगा, एनोड को भी समझ लीजिए। एनोड पर ये होगा कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, वो तो फिक्स है, लेकिन आप सोचिए कि एनोड पर जाएगा कौन, कौन सा आयन जाएगा। तो एनोड पर जो जाने वाला आयन है वो Na+ और Cl- में से कौन सा है, ये हमको पहचानना है। तो देखिए एनोड कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एनोड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कौन जाएगा, Cl- जाएगा, और Cl- जाएगा कहाँ पर, एनोड से ये माइनस जाएगा कैथोड प्लस की ओर, और यहाँ पर Cl- पहुँच जाएगा हमारे सेल में, कहाँ, एनोड पर। और एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है तो क्या होगा, ये Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को जो माइनस चाहती करे उसको बाहर कर देगा। तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो हो गया, अब क्या होगा उसको हमको इसी में अंदाज लगाना है। जरा देखिएगा, देखिए ये जो क्लोरीन आया, क्लोरीन कहाँ से आया, इस सॉल्यूशन से जो Cl- है उस Cl- पहुँचा एनोड के पास, और जैसे ही एनोड के पास Cl- आया, अब ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये बात ये ध्यान रखना है कि क्लोरीन Cl- जब ऑक्सीडेशन करेगा तो एक यहाँ भाई क्यों एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, अब ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया मतलब वैलेंस शेल में वापस सात इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन क्लोरीन अकेला कैसे रह पाएगा, तो अकेला नहीं रह पाता, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको दिखाने का तरीका, यहाँ Cl2 लगा देते हैं और एक क्लोरीन इसलिए हाफ करके बैलेंस कर देते हैं, ये इसको दिखाने का तरीका है। लेकिन अब दूसरे साइड देखिए, दूसरे साइड क्या, कैथोड में क्या हो रहा है, तो कैथोड में ये हो रहा है इस जगह कि कैथोड में ये घटना हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में समझिए, इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ, इलेक्ट्रॉन एनोड में, यहाँ पर क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला, और यही इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया इस सर्किट के जरिए, डायग्राम में देखिए, इस सर्किट के जरिए कैथोड की ओर। जब कैथोड में पहुंचा तो कैथोड में आसपास कौन है, कैथोड माइनस चार्ज है तो इस सोडियम इसके आसपास जाएगा, सोडियम प्लस चार्ज जो है ना वो कैथोड में जाएगा। तो कैथोड में जब सोडियम जाएगा तो सोडियम का क्या होगा, तो वो घटना अब इम्पॉर्टेंट है। तो सोडियम का क्या होगा, देखिए सोडियम में यहाँ रिडक्शन घटना होना चाहिए, और रिडक्शन का क्या मतलब है, रिडक्शन देखिए, रिडक्शन का मतलब क्या है, तो सोडियम जो प्लस है वो चिपक गया कि इसमें कैथोड के माइनस चार्ज की ओर अट्रैक्ट हुआ है। तो ये माइनस चार्ज पर जाके ये वहाँ से पहुँचे हुए इसी इलेक्ट्रॉन को लेकर ये Na+ बना लेता है, इसका मतलब Na सॉलिड बना लेता है।
और इन्हें सॉलिड बना लेता है तो ये वहाँ जाके कैथोड पर जाके यहाँ चिपक जाता है। सोडियम कहाँ चिपक जाता है? कैथोड पर। सपोज करो, ये थोड़ा सा रेड कलर से दिखाता हूँ सोडियम को, सोडियम यहाँ जाके ऐसे जमते जाएगा दीवार पे, इसके दीवार पे ऐसे जमते जाएगा। क्यों? सोडियम वहाँ जाके सॉलिड हो जा रहा है। तो देखो क्या हुआ है इस प्रोसेस के दौरान, इतना बोल सकता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं सफाई करूँ, ये लीजिए, हाँ इतना बोल सकता हूँ इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ। तो इस प्रोसेस के दौरान ये हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ इधर, समझे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ एनोड से कैथोड की ओर। और हमेशा याद रखेगा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, फिजिक्स बोलता है इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में हमेशा करंट का फ्लो होता है। करंट फ्लो होगा ऐसे, समझते जाइए, करंट का फ्लो होगा ऐसे। तो देखिए क्या हुआ, इस प्रोसेस के दौरान एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन कैथोड से एनोड की ओर करंट आने लगा, तो करंट निकल गया। हमने पहले क्या दिया, पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का करंट दिया था, विद्युत करंट, विद्युत धारा दिया था। तो विद्युत धारा जो दिया वो बाद में किस में कन्वर्ट होगा, एक ऐसे करंट में कन्वर्ट हुआ जो रसायन से आया, केमिकल से आया, यहाँ भरे हुए केमिकल से आया, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। तो फाइनली क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और इसी का तो, यही तो हमारा टारगेट था। ध्यान दें, अब हम बात करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल में। अब इसके जो अरेंजमेंट है उस पर फोकस करिए। इसमें दो ऐसे हाफ जो वहाँ एक पॉट था ना, उसके जगह ऐसे दो बर्तन जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे दो भाग होंगे, और ये दोनों भाग में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक लिक्विड भरा होगा और एक एक इलेक्ट्रोड भी होगा। देखिएगा, मैं कुछ लिक्विड के यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उसको मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूँ, और अपने सुविधा के लिए फिक्स कर देता हूँ। फिक्स कर देता हूँ मतलब यहाँ पर हम ले रहे हैं ये रॉड, क्या जिंक का रॉड ले रहे हैं, और यहाँ पर हमने जो लिया उसको ले रहे हैं कॉपर का रॉड, किस क्या कौन सा रॉड, कॉपर का, ठीक है। और इनको एक पतले वायर से कनेक्ट कर दिए हैं, है ना, यहाँ पर एक वायर निकाले और वायर से कनेक्ट कर दें, कोई बैटरी से कनेक्शन नहीं है, एनोड और कैथोड में ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखिएगा कि ये जो बीच का जो भाग है ना, उस बीच के भाग में एक ऐसा उल्टा यू शेप्ड ट्यूब लगा दिए हैं बीच के भाग में, आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो इस उल्टे यू शेप्ड ट्यूब को बाद में हम सॉल्ट ब्रिज नाम देंगे। यहाँ पर कुछ पदार्थ भरे होते हैं जो इसको कनेक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करता है, है ना, नहीं ये कनेक्ट नहीं करोगे तो सेल में सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर यहाँ से देखिए एक और चीज़ कि ये जो यहाँ सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन भरा होगा, इस सॉल्यूशन में हम ज़्यादातर जिंक का ही सॉल्यूशन रखते हैं, और मैं सुविधाजनक स्थिति के लिए ले लेता हूँ जिंक का सल्फेट, जिंक सल्फेट ZnSO4 लेते हैं, ताकि जिंक का जो आयन है वही यहाँ दिखाई पड़े, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, इधर जब हम लोग जो दूसरा पार्ट में जो सॉल्यूशन रखे हैं उस सॉल्यूशन में कॉपर का ले लेते हैं, और कॉपर का कॉमन आयन है +2 +2, तो कॉपर का +2 स्टेट में कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ एनोड और कैथोड बोलना अभी मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी पहले ही नाम दे रहा हूँ मैं, बाद में पहचानना सीख लेंगे। लेफ्ट वाले को एनोड बोलूँगा जो पुराना तरीका था, और जो राइट साइड है उसको मैं कैथोड बोलूँगा, ठीक है। ये बाद में डिसाइड हो जाता है कि कैसे एनोड और कैसे कैथोड सेलेक्ट करना होता है, क्लियर भाई। अब वापस देखिए हमको करना क्या है, हमको ये एनोड जो पार्ट है, पहले तो इतना याद रखिएगा, ये छोटा जो एक भाग को एक हाफ सेल बोलते हैं, आधा सेल, और दूसरे भाग को दूसरा आधा सेल बोलते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे कुछ नाम आएंगे, जैसे बीच के जो यू ट्यूब है उसको यू शेप्ड ट्यूब है उसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। और लेफ्ट साइड को एनोडिक हाफ सेल बोलते हैं, राइट साइड को कैथोडिक हाफ सेल बोलते हैं। तो अभी भी वो कन्फर्मेशन होगा कि अभी भी एनोड में ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड में रिडक्शन ही होगा। अब कैसे ऑक्सीडेशन कैसे रिडक्शन होगा, हमको वही बात करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ देखिए, एनोड जो पार्ट है, जो लेफ्ट पार्ट एनोड है, वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, है ना। ऑक्सीडेशन कैसे होगा वो भी दिखा देते हैं। ऑक्सीडेशन ये होगा कि ऑक्सीडेशन में ध्यान ये रखना है कि जिंक जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब ये रॉड वाले भाग में होगा ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा।
जिंक जिंक टू प्लस बनाएगा और दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है ना, क्योंकि इसकी कॉमन वैलेंसी दो है तो जिंक टू प्लस ही बनाएगा। अगर कॉमन वैलेंसी एक होता तो जिंक वन प्लस बनाता। तो जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक टू प्लस बनाएगा। लेकिन ये जिंक कौन सा है, ये सॉलिड वाला जिंक है, मतलब ये रॉड वाला जिंक है, ये वाला जिंक है, ठीक है, जो रॉड में है। रॉड से वो उतर जाएगा, जैसे ही आयन बनेगा जिंक से, जिंक टू प्लस बनेगा, आयन में उतर जाएगा वो, मतलब सॉल्यूशन में उतर जाएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर सर्किट से होते हुए कैथोड में पहुंचेगा, ठीक है, ये घटना होगा, कन्फर्म ये घटना होगा। जब यही इलेक्ट्रॉन कैथोड में पहुंचेगा तो कैथोड में पहुंचने के बाद कहां जाएगा, तो कैथोड में क्या करेगा उसको भी देखते हैं, जरा देखिएगा। एनोड पर जो ऑक्सीडेशन हुआ, उस एनोड पे ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या हुआ, इस ये जो येलो कलर का मैं आगे दिखा रहा हूँ उसको देखिए, ये येलो कलर का जो रॉड है ना, ये जो रॉड मैं दिखा रहा हूँ इस रॉड को देखिए, हालांकि ये कोई जिंक का कलर मत मानिएगा, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मतलब सर्किट की ओर, और जो जिंक ये वाला जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो जिंक से जिंक टू प्लस बना, जिंक टू प्लस बनते ही वो उतर गए कहाँ, सॉल्यूशन में, जिंक टू प्लस बनते ही सॉल्यूशन उतर गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहाँ गया, सर्किट में, सर्किट से होते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया कैथोड में। और जैसे ही कैथोड में पहुँचा इलेक्ट्रॉन, अब क्या हो रहा है उसको आप देखिए, अब घटना ये हो रहा है इलेक्ट्रॉन पहुँचने के बाद कि जिंक टू प्लस जो पार्ट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है और यहाँ पहुँचा है, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा वो यहाँ इस सेकंड वाले रॉड की ओर पहुंच गया जहाँ कॉपर रखा हुआ है, तो कॉपर जो रखा हुआ है उसमें क्या होगा, इसमें कॉपर की कैपेसिटी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को लेके माइनस चार्ज बनाए, तो कौन आएगा, कॉपर से उनके सॉल्यूशन में आप देखिए छोटा छोटा, यहाँ पर मैं कॉपर टू प्लस लिख देता हूँ, ये कॉपर टू प्लस इस सॉल्यूशन में मौजूद है, ये कॉपर टू प्लस इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएगा उस इलेक्ट्रॉन को कैच करके खुद वो रिडक्शन में भाग लेता है। तो रिडक्शन कैसे होता है भाई कैथोड साइड में, तो रिडक्शन ये होता है कि कॉपर टू प्लस आयन अब एक साथ दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में बदल जाता है, मतलब ये जो सॉल्यूशन का आयन है, अब देखिए इसका डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टा होगा, यहाँ वहाँ तो जो रॉड है वो सॉल्यूशन में उतरता था, यहाँ क्या होगा जो सॉल्यूशन में जो आयन है वो रॉड में चढ़ते जाएगा, रॉड में चढ़ते जाएगा, तो रॉड में चढ़ेगा तो रॉड की मोटाई बढ़ते जाएगी। देखो ये एक्वस जो एक्वस सॉल्यूशन में जो कॉपर टू प्लस था वो सॉलिड कॉपर बना के क्या हो रहा है, जमते जा रहा है, तो इससे एक सेल का रिएक्शन पूरा हो गया है। और रिएक्शन पूरा होने से क्या फ़ायदा हुआ, कि सेल का रिएक्शन पूरा होने से फ़ायदा ये हुआ कि सेल, हम एक देख रहे हैं कि सेल में एनोड से कैथोड की ओर एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और बहुत अच्छे से आप ये भी बोल सकते हो कि एनोड कैथोड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन है ना, लेकिन ये भी हो रहा है एनोड कैथोड में इलेक्ट्रॉन फ्लो से कि करंट के फ्लो का जरिया भी बन गया है। और करंट का फ्लो कहाँ से होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के उल्टा, इसका मतलब इधर से इधर की ओर करंट का फ्लो होगा। अब यहाँ देखियो, यहाँ तो बाहर में कोई करंट यूज़ नहीं किए थे, तो करंट यूज़ नहीं किए तो क्या होगा, फिजिक्स के लॉजिक लगा के मैं ये बोल सकता हूँ कैथोड में प्लस साइन होना चाहिए, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की ओर बहता है, तो हमेशा ये कैथोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ एनोड हो जाएगा नेगेटिव, है ना। और क्या हो जाएगा, अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन गया है और कैथोड से एनोड करंट गया है, तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि हमने कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दिया, यहाँ केमिकल एनर्जी शुरुआत में यूज हुआ और केमिकल एनर्जी ही बाद में हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया, तो ये दूसरे प्रकार का सेल हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको प्रोवाइड कर दिया, है ना, ये दूसरे प्रकार का सेल हो गया। और हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो पूरा इसी पर बेस्ड रहेगा। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में गल्वेनिक सेल हो गया। और अच्छा, ये जिंक और कॉपर के इस खास सेल को एग्जाम्पल के तौर, ये जो वोल्टेइक सेल के अंदर में जिसको पढ़ रहे हैं उसको हम डेनियल सेल भी बोलते हैं, याद रखेंगे डेनियल सेल, ये स्पेसिफिक नाम है इस पर्टिकुलर जिंक कॉपर वाले सेल का। तो मेरे ख्याल से ये दोनों समझ में आ गया होगा, है ना, अब बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्रोसेस, इसी दोनों प्रोसेस को आप डिटेल में ले जाना है और इसी को हमको कंटिन्यू करते हुए पूरा चैप्टर सेकेंड यूनिट भर यही पढ़ेंगे। तो इस यूनिट के शुरुआत में मैंने दोनों टाइप के सेल के बारे में बात किया है, आप देख रहे हैं कि दोनों टाइप के जो सेल हैं उनमें हमने
कैसे कैसे डिस्कशन किया है, पूरा आप पिछला भी देख सकते हैं, है ना, जो पिछला है वहाँ तक देख लीजिए, जैसा भी देखिए। लेकिन हमने ये किया कि इस पूरे सेल में पीरियड डिस्कशन में हमने दो प्रकार के सेल की बात किया। और यहाँ देखो बाहर का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये सेल ऑटोमेटिक काम करेगा, इसके लिए बाहर से कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सेल को स्पॉन्टेनियस सेल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सतत सेल कहलाता है, या इसमें सेल में होने वाले जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्लियर है बात? तो यहाँ तक दो पार्ट रखिए,